IPL 2023 की नीलामी के कंप्लीट हो जाने के बाद सभी IPL टीमें अपने अपने स्क्वाड को बिल्ड करने में जुटी हुई हैं, जहां पर कुछ IPL टीमें ऐसी हैं जो कि हमें बिल्कुल ही सेटल्ड नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ IPL टीमें ऐसी हैं जो कि या तो अपने प्लेयर्स की इंजरी के चलते हुए या फिर अलग अलग रीजन के चलते हुए अपनी टीम में रिप्लेसमेंट करने को तैयार हैं, जहां पर इन रिप्लेसमेंट प्लेयर्स को इन IPL टीमों के द्वारा अपनी टीम में शामिल किया जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम IPL 2023 का टाइटल जीते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। IPL 2023 की रिप्लेसमेंट विंडो की बात की जाए तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जिन भी IPL टीमों में हमें कोई भी प्लेयर इंजर्ड होते हुए देखने को मिलता है या फिर सोल्ड आउट जाने के बाद भी अगर कोई प्लेयर IPL में किसी टीम से अपने नाम को पुल आउट करता है अपने फैमिली के रीजंस के चलते हुए, तो उस प्लेयर के बदले उस टीम को अपनी रिप्लेसमेंट की अनाउंसमेंट करने की परमिशन दी जाती है। एक भारतीय प्लेयर के बदले एक भारतीय प्लेयर्स को ही आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो वहीं अगर आप लोग किसी विदेशी प्लेयर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके बदले आप लोग किसी विदेशी प्लेयर के रिप्लेसमेंट को भी अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। अभी तक जिन टीमों के नाम रिप्लेसमेंट विंडो में देखने को मिले हैं, इनमें आती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो कि एक ओपनर की तलाश में है। इसके बाद इस लिस्ट में आती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो कि एक फास्ट बॉलर को रिप्लेसमेंट विंडो में तलाश कर रही है। तो वहीं तीसरे नंबर पर आती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जो कि इनके टीम के इंजर्ड प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट तलाशने वाली है इस रिप्लेसमेंट विंडो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।